if you ask me personally, it is being very observant and being sensitive. Being sensitive. Sensitive means आप realize करें क्या हो रहा है, मैं और इनसे अलग हूँ, मुझे कौन सी चीज असर कर रही है। जैसे कि मैं जब छोटी उम्र में थी तो मेरे माँ बाप मुझे डाउरी, जहाँ शादी हो रही होती थी तो मुझे डाउरी डिस्प्ले जब मैं देखती थी उस वक्त लड़कियों में, और उस वक्त डाउरी एक्ट नहीं था, तो खूब सारे जेवर, साड़ियां, चांदी के बर्तन सब कुछ होता था। तो मैं अपने माँ बाप से पूछती थी ये क्यों है, बोले इसलिए क्योंकि हमारी ऐसे कल्चर में जब लड़की की शादी होती तो वो उसको दहेज दिया जाता है, ससुराल के लिए दहेज दिया जाता है। तो मैं उनसे पूछती थी क्यों, बोले ये प्रथा है, और मैं उसके खिलाफ रिबेल किया और मैंने कहा ये मुझे प्रथा रिजेक्ट करनी है, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे कर्मों में नहीं जाना है, मुझे इसलिए पढ़ना बहुत है लायक होके मैं अपने निर्णय खुद लूं, ना कि आप फैसला करें और मेरे से मुझे दहेज दें। तो दहेज प्रथा के खिलाफ मेरी अंदर से घृणा निकली, राइट। सो छोटी उम्र में कई चीजों, जैसे कई कहीं आसपास में जब मैं डोमेस्टिक वायलेंस भी देखती थी एज लड़की, या मैं डिस्क्रिमिनेशन देखती थी, मेरे लिए सोशल इवल थे। तो वो हुआ ना, फिर से हुआ ना, यूनिफॉर्म पहना उसी के खिलाफ हो गया, राइट। सो आपकी वही सोच उधर आपको ले जाती है जो आप छोटी उम्र में सेंसिटिव होकर देखते हैं। तो आप उस वक्त 12 साल, 13 साल, मैं 10 साल की थी जब मैं ऐसी चीजें शायद देखती थी, तो उसके खिलाफ क्या हुआ, घृणा हुई, खुद नहीं किया, और जब स्थिति ऐसी आई उसके खिलाफ एक्शन लिया।